हिमाचल के रामपुर के समीप गसो नामक स्थान पर बस 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है। बस में चालक परिचालक समेत 34 लोग सवार थे। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि बस में 33 बड़े और एक बच्चा, कुल मिलाकर 34 लोग सवार थे। उन्होंने बताया जैसे ही घटना हुई तमाम क्षेत्र की फोर्सेस मौके पर पहुंची। सभी लोगों को घटनास्थल से तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया और उसमें 3 लोगों को अधिक चोटें आई हैं। प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। वहीं बस यात्रियों ने भी घटना के संदर्भ में जानकारी दी। इन्फॉर्मेशन मिली अराउंड 2:30, तो इमीडिएटली हमने जितनी भी एम्बुलेंसेज थी नियर बाई एरिया में वो घटनास्थल के लिए हमने रवाना कर दी थी, ज्यूरी से NGPC की, रामपुर से और रामपुर की हॉस्पिटल से। साथ में इमीडिएटली जो हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, ITBP है, NDRF है, CISF जाकड़ी है और जो आर्मी है, क्योंकि उनका बिल्कुल कैंप साथ में ही है, तो CISF और आर्मी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके जितने भी इस बस में लोग थे और उनको रेस्क्यू करके इमीडिएटली ऊपर निकाल लिया और विद इन 25 मिनट्स जो भी मेजर इंजर्ड थे और माइनर इंजर्ड थे उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है। और इस सारे अभियान में सभी लोगों का, लोकल लोगों का बहुत योगदान रहा है। बस में कितने लोग सवार थे और कहां जा रहे थे? जी सर, बस में कितने लोग सवार थे और कहां? जो इन्फॉर्मेशन है इसमें टोटल 34 लोग सवार थे, इसमें से जो 33 लोग जिनके टिकट कटे हैं और एक छोटा बच्चा था 3 साल का, ये लोग सवार थे। और जो भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो 3 लोग ऐसे हैं जिनको मेजर इंजरी जिनको लगी है और अभी उनकी ट्रीटमेंट हो रही है और अभी एक का ऑपरेट भी कर रहे हैं एक पेशेंट को, और बाकी जो है सभी माइनर इंजरी वाले थे। और भगवान की वजह से जो बच्चे भी सवार थे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक है, उन्हें कोई इंजरी ज़्यादा नहीं लगी है। नाम है हरीश कुमार। तो बस कैसे गिरी पता लगा? कैसे गिरी? जैसे वो रेस में थी ना, वैसे उसने पलटी मारी एकदम। हाँ जी, हाँ जी, और हम लोग सब ठीक है। हाँ जी, अच्छा, चोटें तो नहीं लगी आपको? कहीं ठीक है। बस हॉलीवुड की मूवी की तरह जैसा हुआ ना कि सिर के ऊपर से बॉल की तरह उछलते चला गया और चला गया। आपका क्या नाम है? कामराज। कहाँ के हो? यहीं से हो, रामपुर। अच्छा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।